नमस्कार दोस्तों, मैं कुछ दिनों से अपने मोबाइल में एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि जब हम क्रोम ब्राउज़र में जो यूट्यूब स्टूडियो होते हैं उसको ओपन करते हैं डेस्कटॉप मोड पे, तो ये वो ओपन नहीं होता है बल्कि रीडायरेक्ट होके ये वाईटी स्टूडियो हमको लेके जाता है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली दो ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप, जैसे हम पीसी या फिर कंप्यूटर में ओपन करते हैं ना अपना यूट्यूब स्टूडियो, वैसे आप क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो और वहाँ पर जो भी आपको मैनेज करना हो आप कर सकते हो। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते तो रहना। दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने क्रोम ब्राउज़र में गूगल पर सर्च किया यूट्यूब स्टूडियो और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देख लीजिए, ये रीडायरेक्ट होकर वाईटी स्टूडियो में हमको ले गया है। चलिए मैं यहाँ से इसको बैक कर देता हूँ और अब मैं यहाँ से डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेता हूँ। इसके बाद से मैं यहाँ पर दोबारा से क्लिक करता हूँ तो देख लीजिए, वापस से हमको वाईटी स्टूडियो में ले गया है। तो इसको कैसे फिक्स करना है, कैसे सॉल्व करना है, मैं वो बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में आएंगे और नीचे की तरफ आएंगे, एक शॉप ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेशन एंड परमिशंस। तो इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से ऐप मैनेजर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद से नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वाईटी स्टूडियो, इसको क्लिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ पर सबसे नीचे आप देख सकते हो ओपन वाई डिफ़ॉल्ट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और ओपन द सपोर्टेड लिंक इन ये ऐप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर पहले से ही अलाउ पर टिक होगा या फिर आपके में दूसरा ऑप्शन हो सकता है। तो इसके बाद से आपको 4 बिट है जो मिडिल वाला, इस पर टिक कर देना है। बस इतना सेटिंग करना है। इसके बाद से चलिए हम इसको कट कर देते हैं और दोबारा से हम यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करते हैं। तो देखते हैं ओपन होता है या फिर नहीं होता है। तो देख सकते हैं जैसे हम अपने पीसी में ओपन करते हैं यूट्यूब स्टूडियो को, वैसे ये ओपन हो गया है। चलिए यहाँ से मैं इसको बैक कर देता हूँ और अभी ये जो मोड है अभी डेस्कटॉप मोड है, मैं डेस्कटॉप यहाँ से हटा देता हूँ और फिर दोबारा क्लिक करके देखता हूँ ये ओपन होता है या फिर रीडायरेक्ट हमको वाईटी स्टूडियो में ले जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये दोनों मोड में काम करता है। तो पहला तो ये ट्रिक हो गई जो मैंने अभी बताया, आपके मोबाइल की सेटिंग में जाना पड़ेगा। और मान लीजिए कि आप मोबाइल की सेटिंग में आपको नहीं कर सकते तो आप एक काम कर सकते हो, तो मैं सेटिंग में आके वापस से इसको अलाउ पर टिक कर देता हूँ और यहाँ से कट कर देता हूँ और इसके बाद से दोबारा मैं ओपन करता हूँ, ये रिडायरेक्ट होके यहाँ पर लेके आ गया है। तो इसका सलूशन क्या रहेगा मैं वो बता देता हूँ। तो ये दूसरी ट्रिक है। दूसरी ट्रिक ये है कि आप ये जो वाईटी स्टूडियो, इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर दीजिए। मैं यहाँ से अनइंस्टॉल कर दिया, देखिए अनइंस्टॉल हो गया। इसके बाद से अब मैं वापस से क्रोम ब्राउज़र में जाता हूँ और यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो को क्लिक करता हूँ। तो देख लीजिए ये पीसी वर्जन में ओपन हो जाएगा क्योंकि मैंने वाईटी स्टूडियो को अनइंस्टॉल कर दिया है इसलिए। तो देख सकते हो ये दोनों ट्रिक मैंने आपको बता दिया है और ये जो ट्रिक है ये दोनों मोड में काम करती है, चाहे आप डेस्कटॉप मोड हो या फिर ना हो। चलिए मैंने डेस्कटॉप मोड ओपन कर लिया, इसके बाद से दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो पहली ट्रिक मैंने अपने मोबाइल की सेटिंग में बताया और दूसरा मैंने वाईटी स्टूडियो को अनइंस्टॉल करके बताया। जो आपको सही लगती है आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो।